YouTube में दोस्तों मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिससे मेरे व्यू और सब्सक्राइब आना बिल्कुल रुक गए, और मैं नहीं चाहता वही गलती आप लोग भी करो। वेलकम बैक दोस्तों माई न्यू ब्लॉग। और हाँ, जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों मैंने बहुत बड़ी गलती, मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि मेरे अच्छे खासे व्यू आ रहे थे, मतलब कि एक ब्लॉग में मेरे अच्छे खासे व्यू आ रहे थे, बट जैसे ही मैंने वो गलती की उसमें व्यू आना रुक गए और सब्सक्राइब भी आना रुक गए, बिल्कुल ही स्टॉप हो गए। तो मैं नहीं चाहता वही गलती आप लोग भी करो या आपके भी ऐसे ही व्यू आना रुक जाए और सब्सक्राइब आना रुक जाए। जो आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं साइड में दोस्तों, इस ब्लॉग में 500-600 व्यू थे और धीरे धीरे बढ़ रहे थे, बट जैसे ही मैंने वो गलती की इसमें व्यू आना बिल्कुल रुक गए और सब्सक्राइब भी। नुकसान इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जो मेरे व्यू इसमें 1000 उस टाइम होने वाले थे वो अब जाके हुए हैं, जिसको 3 हफ्ते लग गए। दोस्तों मुझे यूट्यूब पे 1 साल होने वाला है, बट मैं उसे 1 साल नहीं कहूँगा, अभी मुझे अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो अभी मुझे 3-4 महीने हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरे ब्लॉग देखोगे, कुछ मेरे ब्लॉग ऐसे थे जिसमें कि 2 वीडियो के बीच में खाली 3-4 महीने का गैप मैंने छोड़ दिया था, और 5-6 महीने में मैंने कुल 20 से 25 वीडियो डाली थी खाली। 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाना सही ढंग से शुरू किया है, मतलब कि पूरा अच्छे तरह से, जिसे कहते हैं, पहले तो मैं ऐसे ही बना देता था, मार्केट की बना दी, कभी कभी फैमिली ब्लॉग बना दी, कभी कहीं घूमने के लिए चले गए दोस्तों के साथ तो वहाँ की बना दी, तो वैसे ही मिक्स था सारा मेरा उस टाइम कॉन्टेंट, जो कि अब 3 महीने के बाद मैंने कॉन्टेंट एक ही पे फोकस लगाया और उसी पर बनाए जा रहा हूँ 3 महीने से। तो इसलिए मैं 3-4 महीने ही बोलूँगा। और मैंने गलती क्या कर दी, जो कि मेरी पुरानी वीडियो थी जिसमें बहुत ज़्यादा गैप भी थे, वीडियो बेकार नहीं थी, वीडियो तो सही थी, बट उसमें गैप ज़्यादा हो गए थे, और मैंने गलती क्या कर दी, 25 वीडियो मैंने डिलीट कर दी अपने YouTube चैनल से, 25 वीडियो, और मेरे जो वीडियो काउंट थे YouTube में वो 100 होने वाले थे, और जैसे ही मैंने वो 25 वीडियो डिलीट की, मेरे जो वीडियो काउंट थे YouTube में वो हो गए 75। जी दोस्तों 75। और इससे हुआ क्या कि जो मेरे व्यू आने थे, जो मेरे व्यू आ रहे थे उस ब्लॉग में, ये ब्लॉग में मेरे व्यू आ रहे थे 3-4 बिल और भी दो इक्के दुक्के आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा आ रहे थे, 20-25-50 तक आ जाते थे एक दिन में, बट वो एकदम से ही जैसे मैंने ये डिलीट किए वो आना रुक गए, बिल्कुल ठप, बिल्कुल ही ऐसा हो गया, पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल स्टॉप हो गए व्यू आना और सब्सक्राइब आना भी बिल्कुल रुक गए। और दूसरी चीज़ क्या हुई, जो मेरे व्यू थे, टोटल व्यू थे जब से मैंने शुरुआत की थी और अभी तक करंटली में जो व्यू थे मेरे, वो भी बिल्कुल कम हो गए थोड़े बहुत। कम होने के कारण दोस्तों होता क्या है कि जो इंप्रेशन रेट है वो भी हमारा थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है, और जो वीडियो जो आगे जाने वाली है वो भी वो बंद हो जाती है थोड़ी बहुत, जो इंप्रेशन रेट है वो भी कम हो जाता है। दोस्तों होता क्या है कि जैसे जैसे आपके अकाउंट बढ़ते रहते हैं YouTube में, जैसे कि आप वीडियो डालते रहते हो YouTube में तो उसके अकाउंट बढ़ते रहते हैं, तो जैसे जैसे आपके अकाउंट ज़्यादा बढ़ते रहेंगे वैसे ही आपकी वीडियो जो YouTube है वो आगे भेजता रहता है लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका इंप्रेशन रेट भी बढ़ता रहता है धीरे धीरे, और व्यू भी उसके साथ बढ़ते रहते हैं, तो जितने आपके अकाउंट बढ़ते रहेंगे उतने ही आपकी वीडियो वायरल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, आपके व्यू भी ज़्यादा बढ़ते हैं, सब्सक्राइब भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि YouTube को लगता है हाँ भाई ये वीडियो बना रहा है कंटिन्यू और डाले जा रहा है, क्योंकि YouTube एक कंपनी है और कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप एक दिन के हिसाब से डाल रहे हो या एक दिन छोड़ के हफ्ते भर में एक, आप अगर कंटिन्यू ऐसे डालते रहोगे और आपके अकाउंट बढ़ते रहेंगे तो आप धीरे धीरे ग्रो आपकी होती जाएगी आपके YouTube चैनल की। और अब जाके फिर जब मैंने वीडियो डालनी शुरू की थोड़े बहुत पहुँच गए, मतलब कि 85 या 86 हो गए, तो आप थोड़े फिर व्यू आना शुरू हो गए और ये 1000 पे पहुँच गए आज, जो कि 1-2 वीक में इसको पहुँच जाना चाहिए था, तो ये कारण था। और उस वीडियो कभी भी डिलीट ना करें, चाहे कोई सी भी हो, चाहे कंटेंट कोई भी आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको बनाए रखें। और मैंने बड़ी गलती कर दी कि मैंने वो डिलीट कर दिए, और कुछ वीडियो और है जो मेरी 40-41 वीडियो है जो कि जिनके कंटेंट बिल्कुल मिक्स है, सब मिक्स कर रखे हैं, बट मैं उनको डिलीट नहीं कर सकता और ना डिलीट करना चाहिए, और वो थोड़ी यादगार है वीडियो, तो इसलिए आप कभी भी वीडियो डिलीट ना करें अपने YouTube चैनल से, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपने पेड़ देखा है, जो पेड़ होता है उसमें पानी डालते हैं तो वो बढ़ता रहता है ऊपर, जैसे ही आप पानी डालना बंद कर दोगे तो वो क्या होगा, वो सूख जाएगा। तो ऐसे YouTube भी है, आप डेली ब्लॉग डालते रहोगे या जिस टाइम आप डालते हो, एक दिन छोड़ के एक हफ्ते छोड़ के आप डालते रहोगे तो आपका अकाउंट बढ़ता रहेगा, तो आपका इंप्रेशन रेट भी बढ़ता रहेगा, तो YouTube आपके ब्लॉग को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजता रहेगा, तो तभी आपकी वीडियो जो सारी है वो व्यूज़ में आते रहेंगे धीरे धीरे करके। तो ये था दोस्तों आज का ब्लॉग, मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आज के लिए गुड बाय।